नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। महाशिवरात्रि का पर्व झारखंड समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बैद्यनाथ धाम में विशेष रूप से महाशिवरात्रि महापर्व का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही झारखंड के राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में विशेष रुद्र अभिषेक महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसी दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की पूजन की। पूजन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद को ग्रहण किया। इसी मौके पर झारखंड के गुमला जिले के विश्व प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बाबा टांगीनाथ में 3 दिवसीय धार्मिक मेला का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत विभिन्न क्षेत्रों से शिव भक्त पहुंचे। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा समेत विभिन्न जिलों में आज दिन भर शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया तो कई स्थानों पर यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसका समापन कल किया जाएगा। पूरे राज्य में भक्तगण खुशी से भगवान शिव की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। नहीं शिव मानत नाए राधे कृष्ण मनाए धन्यवाद। आपका नाम क्या है बाबा? मिथिलेश पाठक। आप कहाँ से आए हैं बाबा? हम आए हैं आपको जनाजी शिव मंदिर से, पुजारी हूँ जनाजी शिव मंदिर का। यहाँ की अकुर धन संपत्ति है जो कि हमारा वो राजाओं ने जब सजुग द्वापर त्रेता कलयुग जब प्रारंभ हुआ उस समय से यहाँ का जो राजा थे एक गढ़ के रूप में यहाँ पर स्थापित किए और हमारी इतना भी शिवलिंग बने हुए हैं यहाँ पर इस जमीन के भूमि के अंदर। इस जमीन के अंदर में अनहिसाब संपत्ति है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात खड़ा हुआ, खजाना भरा हुआ है। जब मंदिर का प्रांगण का जीर्णोद्धार हो रहा था, नींव उड़ा रहे थे, उसमें यहाँ बहुत सा ऐसा निकला, चावल सोना का निकला, मुटुक निकला, थाली निकला, गिलास निकला, बहुत सामान निकला जो हमारे जिसका हाथ लगी वो ले गए। मेरा नाम प्रमोद मिश्रा। आप कहाँ से आए हैं? हम गुमला पार्क रोड। अच्छा, यहाँ के मंदिर के विषय में कुछ बतलाइए। यहाँ के विषय में तो बेटा इनको तो बहुत पुराना ये स्थल है बाबा टांगीनाथ का। नहीं तो हमको बुझा रहा है कि हमारा अनुमान से ये हजारों साल का बीत रहा हो। अच्छा, तो यहाँ आने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है? श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होता है। बाबा टांगीनाथ का ध्यान देखिए, आवे माँ बाबा टांगीनाथ का बढ़िया से
मनोकामना अपना पूर्ण हो जाए, बाद में आके पूजा पाठ भी लोग कर लेता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।